देश नहीं होगा। तीसरा पार्ट इसमें एक चीज और आ जाता है कि ये जो स्क्रीन है तो थोड़ा सा एक डर होता है कि ये नॉर्मल टच में या फिर इसका टूटने का मतलब स्क्रीन पे या बच्चे का भी पेन पेंसिल्स के प्रॉब्लम भी है, इवन डस्टर भी नहीं कर सकते, तो इसका जो हार्डनेस है इसका हार्डनेस 9 इंच है, एमओएस कहते हैं 9 इंच डायमंड होता है, 10 इंच इसका हार्डनेस 9 इंच तो काफ़ी हार्डनेस है, तो हम दिखा भी सकते हैं। तो ये ब्रेक नॉर्मल में भी ब्रेक नहीं, थर्ड पॉइंट इसका ये रखा गया है। फोर्थ पॉइंट एक और है कि ये सब मैं अभी पहले सेफ्टी पॉइंट इसका बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट एक और है कि हम लोग नॉर्मली स्कूल्स वगैरह में देखते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स लगे रहते हैं तो स्कूल्स में डस्ट आती है, क्योंकि क्लासरूम में हमेशा खुला रहेगा, बच्चे जब सुधर या फिर जहाँ पे ग्राउंड भी रहता है तो वहाँ से भी डस्ट काफ़ी आता है। तो इसका जो पूरा बॉडी है ये पूरा मेटल बॉडी है और इसका जो पूरा कॉम्पोनेंट है जो बैक साइड में जितने इसमें बोल्ट्स हैं जो चीज़ें लगी हुई हैं वो कम्प्लीटली डस्ट प्रूफ है। इसके डिज़ाइन को ऐसा किया गया है कि ये कम्प्लीटली डस्ट प्रूफ है। तो हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर लैब वगैरह में देखते हैं कि जो सीपीयू है वो बार बार डस्ट की वजह से ऑन ऑफ का प्रॉब्लम होता है, फिर से उसको सफाई करनी पड़ती है। तो ये चीज़ इसमें वो बहुत उस तरह का मेंटेनेंस नहीं करता, ये कम्प्लीटली पैक्ड है और डस्ट प्रूफ है, इसका भी कंपनी को सर्टिफिकेशन है। कितनी चीज़ें हो गई, ये हमारा सिक्योरिटी पॉइंट्स है। अब इसमें हम आ जाते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। फंक्शन के लिए जिस तरह से ये एक कंप्लीटली दिखाते हैं तो आपको लगेगा कि जैसे हमारा फोन पे होता है ये सेटिंग पार्ट है, सेटिंग पार्ट में ये जो हमारा आईफोन आ रहा है अभी एंड्रॉइड शो कर रहा, तो ये सिस्टम अभी एंड्रॉइड पे चल रहा है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम होता है। अगर हम इस पे लैपटॉप या कंप्यूटर का देते हैं, पीसी का देते हैं, तो HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, 2 वन एंड टू पीछे फ्रंट पोर्ट का है, और बैक साइड में भी सिमिलर पोर्ट सब हैं, HDMI के पोर्ट हैं, DP पोर्ट है, VGA पोर्ट है, ये भी साउंड के लिए है, ये सब चीज़ें ये इनपुट्स हो गए हैं। जनरल जो मैंने दिखाया था कि यहाँ पे आईपैड टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ है, साउंड सिस्टम है, ऑडियो, यहाँ पे नेटवर्क है। नेटवर्क में क्या है कि हम लोग इसको वाईफाई से कनेक्ट करना, लैन देंगे तो इंटरनेट से लैन दे सकते हैं और वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग वाईफाई ये कर रहे हैं, इसी तरह इसको वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ, डोंगल कनेक्ट कर अभी कनेक्ट कर दिया इसको, मेरा नेटवर्क मैंने इसके पहले कनेक्ट किया है, तो इसमें हम लोग इस तरह से हम इसको वाईफाई से कनेक्ट कर एप्लीकेशन है, स्टोरेज क्या है, जिस तरह से हमारा बाकी फोन पे होता है सेटिंग्स का पार्ट उसी तरह से है। तो इसमें सिस्टम अपडेट्स वगैरह ये सब चीज़ें हैं, सिस्टम अपडेट है, अबाउट है, तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स का पार्ट होता है, मतलब एज लाइक जैसा हमारा मोबाइल रहता है ये टैबलेट। उसके बाद हम यहाँ पे एप्लीकेशन, जैसे जो हमारे मोबाइल्स के अंदर एप्लीकेशन होते हैं उसी तरह इसके एप्लीकेशन जो इसमें मिलेंगे वो आपको टोटल एजुकेशन बेस्ड ही होंगे, क्योंकि इसमें मतलब ये एजुकेशन काउंसिल जो पैनल बना हुआ है डाउनलोड हमारा, हाँ डाउनलोड ऑप्शन है, जो इसी का डाउनलोड है जो एजुकेशन वाला है, अदरवाइज जो हमें डाउनलोड करना होता है नॉर्मल वे में अगर हम कोई एक एप्लीकेशन चाहते हैं तो APK मोड में जो हम लोग लैपटॉप में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लैपटॉप में डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल। जैसे ये पुराना वाला बटन, ये वाइट बटन का हमारा स्टार्टिंग बटन था, तो इसमें जो टूल्स वगैरह है ये थोड़ा लिमिटेशन है। अभी मैं इसका जो नया वर्जन अपडेटेड आया उसको मैं दिखाता हूँ।
जो 5 मिलियन को रहता है ये 6, इसी का अपग्रेड है। तो देखिए इसमें टूल्स काफ़ी एडवांस टूल्स नए नए आ गए, काफ़ी आ गए। तो देखिए इसमें मैथमेटिकल टूल्स वगैरह सब ऐड हो गए। तो यही अपडेट क्या है कि ये जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। बैंक का खुद का है अप्लीकेशन सारा इस पर, तो इस पर आपको कोई चार्जेबल और कोई किसी तरह का कोई नहीं उसके सपोर्ट में हमेशा। अब इस क्यूज पे आ जाते हैं, ये तो सेटिंग का हो गया, ये एप्लीकेशन का हो गया, ये वही वाइट बोर्ड है और ये कनेक्शन का हो गया। जैसे हमारा टूल हाँ मैंने दिखाया था ये शॉप, तो हम आ जाते हैं वाइट बोर्ड पे। ये सबसे इस क्यूज का 90% यूज इसी बोर्ड का होना है, तो इसी पे हमारा सारा वर्क है। अब इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटिंग वगैरह किस तरह से है वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद और इसका एडिंग क्या क्या है। तो फर्स्ट वाला को छोड़ के सेकेंड से स्टार्ट करते हैं। ये पेन का सिलेक्शन, पेन में हम लोग उसी तरह से कलर सारे सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग, और अगर कुछ नया कलर ऐड करना है तो हम यहाँ से प्रेस करेंगे ये पेन मिल जाएगा। कलर फिर से हम जो भी नया कलर चाहें वो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर नया कलर। अब इतने मल्टीपल कलर हैं, एक कलर को मैं यूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस है, एक तो कलर का साइज है, एक बस मैं जो मिनिमम है उस पर मैं राइट कर रहा हूँ। सेकंड मैं थिकनेस बढ़ाता हूँ यहाँ से, उसकी वजह से यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ थिकनेस में बढ़ा रहा हूँ इसी तरह से थिकनेस बढ़ेगा। हाइयर साइड और बढ़ता चलता हूँ, तो इस तरह से हम इसमें अलग अलग थिकनेस को यूज कर सकते हैं। साथ में कलर्स भी, जो मुझे कलर अगर चेंज करना है तो जिस थिकनेस पे मैं जो कलर भी चेंज करूँगा वो हमें कलर का सिलेक्शन हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि ये हम मैंने थिकनेस और कलर्स दिखा दिया। सेकंड पार्ट है हाइलाइटर, अगर हमें कुछ हाईलाइट बीच में करना है जो हमने राइट किया है तो उसे हम हाईलाइट करते हैं। थर्ड पार्ट है डुअल पेन, ये जो पेन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें दो थिकनेस अलग अलग है। पैनल क्या करता है इसका स्क्रीन, इसके थिकनेस को चेंज करके ये एज ए डुअल पेन एक बार में सेव कर देता है। वो हम तो कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट हम डुअल पेन में सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मैंने ये ले लिया कलर ले लिया और ये थिकनेस ले लिया, ये इसका सिलेक्ट कर। सेकंड वाला फिर मैं इस पर टच करूंगा और ग्रीन कलर ले लिया और थोड़ा थिकनेस ज़्यादा ले लिया। तो अब मैं जैसे ही लिखूंगा तो ये मैं जब इस साइड से लिख रहा था सेकंड साइड से मेरा सेव, मैंने यहाँ कुछ भी लिखा तो ये डुअल पेन का वर्क कर रहा। इस डुअल पेन का सिंपल सा यही है कि ये दोनों अलग अलग थिकनेस को चेंज कर देता है, अलग अलग दो ये हो जाता है। थर्ड वाला पेंट ब्रश का है, अगर ब्रश पीसेस भी हमें यूज करना है तो पेन वगैरह तो यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इरेजर के पार्ट में। इरेजर पार्ट में है हमारा फर्स्ट पार्ट इरेजिंग का, जो हमें जितना सा पार्ट इरेज करना है जितना सा पार्ट इरेज करना है उतना ही सही इरेज करेंगे। सेकंड वन आ जाएगा, एक बार में हमने जो भी राइट किया था वन टाइम वो इरेज हो जाएगा। और थर्ड इसका थर्ड है पेज ऑल, अगर हम इसको क्लियर करते हैं तो वो पूरा पेज को क्लियर। अब अगर स्टाइलिश नहीं है ये पेन नहीं है और क्लास लेना है तो ऑलवेज फिंगर और पाम, ये हमारा राइटिंग और इरेजिंग का काम करेगा। जो जो काम हम कर रहे हैं वो सब चीज़ हम कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं होगा, अलग अलग कलर ले लेते हैं, क्या नहीं होगा इसमें, हाँ हम इरेजिंग करना है तो कुछ नहीं, जैसे पाम रखेंगे ये देखो पीछे साइड से ये बनता है, ये इरेजिंग करना है। तो हम जब इससे थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाते हैं तो फिर स्टाइलिश की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फिंगर से लिखा
और साथ साथ इरेजिंग का सिलेक्शन भी नहीं करना है, मैं इस तरह से लिखता जा रहा हूँ और अगर मुझे इरेज करना है तो इरेज पाम से इरेज मिलेगा फिंगर से। मल्टी टच होता है इसमें, तो एक बार में अपना 40 टच रखता है, 20 टू 40 टच। मल्टी टच को इनेबल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे सिंगल पेन मोड को अगर हम एक्टिव कर देंगे तो सिंगल पेन मोड इसलिए एक्टिव करते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है इस तरह का आ जाता है, जैसे हमारा मोबाइल फोल्डर में अगर हमको साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो टच मोड वाला जो मशीन मोड फिर आ जाते हैं, इसी तरह का एक स्टिकी नोट होता है, तो आज का कुछ चैप्टर है स्पेशल टॉपिक है उसको हम अगर उसी बेस पे करना है तो हम इस पर यहाँ पर जो भी नोट डाउन करेंगे ये आज का टॉपिक है आज। तो ये कभी कभी इसका भी यूज होता है सब एप्लीकेशन। सेकेंड वन है ये सब शेप्स, अलग अलग शेप्स हैं, शेप्स पे हमें कुछ कराना है तो ये सब शेप्स हम ले सकते हैं, साइज बड़ा भी कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, इस पर भी कलर फिलिंग कर सकते हैं। जब मैंने इसे कंप्लीट कर लिया तो इस तरह से हम इस पर राइटिंग करेंगे और इस तरह से हम इस पर राइटिंग करेंगे। डिस्क्राइब करना है तो ये सब चीज़ हर तरह के शेप्स हैं, मल्टीपल शेप्स का है, जोग्राफी का है, तो सारे इमेजेस ये सब
प्री रेडी रख सकते हैं, वीडियो वगैरह सब ले सारे चीज़ें इस पर कर सकते हैं, वो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज़ मैं यही दिखा रहा था कि ये जो इम्पोर्ट वाला है वाइट फूड को इम्पोर्ट करना, अब हमें इसे कुछ नहीं करना, बड़ा छोटा करना है तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, बस ग्रेन का सिलेक्शन। अब यहाँ हम ग्रेन की बात करें, हम लोग इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या क्या है, जैसा इमेज चाहिए जो चाहिए आप रेडिंग कीजिए, टीचर्स रेडिंग करेंगे और कराएंगे। तो इससे क्या होता है कि क्लास का एफिशिएंसी बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम पर हम लोग इसको चीज़ें कर सकते हैं। इमेज में जैसे मैंने यहाँ पे इमेज लाया, पीडीएफ ला सकते हैं, पीडीएफ ला सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग यूट्यूब वगैरह का यूआरएल भी डालते हैं, क्योंकि यूट्यूब का है कीवर्ड डाल के यहाँ पे यूट्यूब भी वाइट बोर्ड पे प्ले करा सकते हैं। साथ में ये तो इम्पोर्ट हो गया, इसी तरह से अगर हमें एक के साथ मल्टीपल इमेज भी लाना है तो हम लोग मल्टीपल भी ला सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं टूल्स पे, ये सब बैकवर्डी का टूल्स हैं, एक्टिविटीज के टूल्स हैं। इस पर अगर हमें कुछ लाइनिंग देना है तो हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, कट करने के लिए चाहिए हमारा टूल्स चाहिए, इसको हम यहाँ से देंगे दूसरा जिस तरह का हम यहाँ तो ये सब टूल्स टूल्स काफी दिए गए हैं, साथ में आपको आ जाता है हमारा जैसे टाइमर, कुछ एक्टिविटीज हो रही है स्टूडेंट्स के बीच में, तो हमने उन्हें जैसे 2 मिनट का एक क्वेश्चन दिया कि 2 मिनट में आप करो, इसको हम मिनिमाइज कर देंगे, ये अपने आप 2 मिनट बदल देगा, उसके बाद टाइमर आ जाएगा, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से स्टॉप वॉच भी है, स्टॉप वॉच को भी यूज कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग जैसे जैसे जो जो फर्स्ट कर कंप्लीट करते जाएंगे हम लोग लैप करते चले जाएंगे, फर्स्ट इतना में हुआ, सेकंड लैप में नहीं हुआ, इस तरह से हम लोग स्टॉप वॉच का भी यूज़ कर सकते हैं। एक स्कोर बोर्ड है, सपोज क्लास में 2 ग्रुप या 3 ग्रुप या और डिबेट करा रहे हैं, तो 2 ग्रुप में अगर हम उस डिबेट स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से हम लोग नॉर्मली इस पर स्कोर बोर्ड को हम लोग यूज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, जैसा जिसका स्कोर हो प्लस कर सकते हैं। स्कोर बोर्ड को हम लोग 2 से 3 पार्ट में भी जितना हमें चाहिए उस तरह से हम लोग अगर 3 अलग ग्रुप या इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन में के सेशन में ये सब कुछ मतलब क्लासरूम्स के बीच में जो एक्टिविटीज़ वाला हम लोग ये रहते हैं उस तरह से ये हम कर सकते हैं। क्लासरूम के और है रैंडम ड्रॉ, ये रैंडम ड्रॉ क्या है, इसमें अगर हमें सपोज क्लासरूम 0 to 25 रोल नंबर्स के बच्चे हों तो हम लोगों ने रेंज से कर लिया 1 to 25 में मुझे किस टीचर को किसी एक स्टूडेंट को बुलाना है, हमने बुलाना है तो टीचर्स खुद उसको सिलेक्ट करके मशीन अपने आप 2 रोल नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर देगा। तो इसमें ये होगा कि बच्चों को भी ये नहीं लगेगा कि मेरा उसका भी मशीन फॉर्मेट में आया 2 रोल नंबर आ जाएगा, तो ये सब एक्टिविटीज़ में हमें काफ़ी काम दिया। इस तरह से मैंने यहाँ किए गए ये जो हमने टाइम अप एक टाइम दिया था 2 मिनट का टास्क के लिए वो टाइम इसी तरह से आ गया। इसी तरह से हमने यहाँ 3 का सिलेक्शन किया तो 3 रोल नंबर मिला, 2 स्टूडेंट को बुलाना है तो 2 रोल नंबर आ जाएगा, इस तरह से रैंडमली हमने इसको वही हो जाएगा कि कोई टीचर का प्रेफरेंस नहीं कोई स्टूडेंट्स का ये नहीं कर दिया। अब एक और पार्ट है
जैसे हमने तीन स्टूडेंट को वहाँ सिलेक्ट किया, अभी हम स्क्रीन को तीन स्टूडेंट कर रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं की वाइंड लेके। तो यहाँ अगर हम कोई क्वेश्चन सेट करेंगे, जैसे सेट हमें एक क्वेश्चन सेट करते हैं, ये टेस्ट हो गया तीन। अब बच्चे जो तीन बच्चे आए थे वो तीनों इसका एक साथ आंसर कर सकते हैं। तीनों को अलग अलग पेन का सिलेक्शन है, सब अलग अलग अपना कलर चॉइस कर सकते हैं और एक साथ राइट कर सकते हैं। कोई भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा और एक साथ राइटिंग कर सकते हैं एक साथ। तो तीनों एक साथ स्टार्ट करेंगे अपना अपना आंसर। कुछ इस तरह का ये हाइलाइटेड पॉइंट हो गया, जैसे कुछ पार्ट इसलिए हाईलाइट करता है बीच में, उस तरह से हमने अब तक बहुत। जैसे एक चीज़ हम लोग यहाँ पे अंडू और रेडू करते हैं, अंडू रेडू भी बहुत यहाँ से काम आता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से जो सेशन कराया है, अब तो सेकेंड वाला जो आपने बताया इधर, आप उसके मुझसे राइट करें नए पेज पे, इधर अंडू कर दें, जितना हम लोगों ने टास्क किया था हम लोग पीछे पहुँच जाएंगे फर्स्ट पेज, उसी तरह से फर्स्ट पर पहुँच जाएंगे और फिर से रेडू करेंगे तो वो हमारा सारा जो जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट पे किया हुआ है वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, हम लास्ट पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। तो अंडर रिव्यू भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कुछ लंबा पैराग्राफ कराया है उसमें फिर से किसी को कुछ डिस्क्राइब करना है तो हम अंडर रिव्यू कर ये कर सकते हैं। अब साथ में एक चीज़ और है, इसका कलर्स, ये तो हम नॉर्मली व्हाइट बोर्ड रखने गए, अगर हमको इसका कलर चेंज करना है तो जैसा कलर चाहे हम लोग उस तरह से अपना कलर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ये अपना उसी तरह से कलर को सिलेक्ट करके चेंज कर देगा जो भी कलर हम चाहें, जो भी पसंद है। अगर कोई और हमें कलर बनाना है उसी तरह से जो भी कलर बनाना है वो कलर भी हम बना सकते हैं। साथ साथ अगर हमें पीछे बैकग्राउंड की लाइनिंग देनी है, लाइनिंग है फोर लाइन है, जिस तरह से उसका बैकग्राउंड चाहिए ये कर सकते हैं। मोर बैकग्राउंड में एक चीज़ और है, मोर बैकग्राउंड ये हो गया कि कम्प्लीटली कोई टीचर चाहते हैं कि मेरा पूरा पेज का बैकग्राउंड एक ऐसा आ जाए, और इसमें इतना फ्री लोडेड है, ये जो ऊपर में हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है, तो उस तरह का बैकग्राउंड के लिए ये इतना फ्री लोडेड है जैसे हमें इस पर काम कराना है। अगर हमें इसको भी डिस्क्राइब करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस पर क्या है कट पे हमारा यहाँ पे प्लस है, तो अगर हमें कुछ भी जैसे ये हमने इंपोर्ट किया हुआ है कुछ भी ऐसा है जो स्पेशल हमें बनाना है तो वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अपना पेन ड्राइव में है या जो भी है वो हम पहले से रेडी रखेंगे उस तरह से। पेन ड्राइव के यूजेस के लिए साथ साथ इसमें मैकेफे का एंटीवायरस भी लोडेड करता है, उसके लिए कोई ये नहीं, बहुत रेयर केस में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम फिर इसको रीसेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जैसे ये हम लोग इस पेज पे थे, यहाँ से हम देख सकते हैं ये पूरा पेज को कहाँ पे है,
पूरे पेज का लिमिटेशन ये बताया यहाँ पे से जूम आउट ओपन कर सेंटर पे ले आया और अगर हम यहाँ पे नीचे मिलाना तो ये नीचे आ गया यहाँ से सेंटर आ जाए और यहाँ से हम इसको यहाँ पे भी जाना चाहते हैं ये पूरा जो हम पेज को ये करें ड्रैग कर करके बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से हम लास्ट वर्ड से सारा एक बार नीचे ये सब चीज़ें यहाँ कुछ पार्ट्स हैं ये जैसे ये पेस्ट का है ये क्लिप बोर्ड है जैसे अगर हम लोग कुछ गूगल पे कुछ वर्ड सर्च कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा इमेज है जिसमें कीवर्ड्स बहुत सारे लिस्टेड हैं उसको अगर कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी कभी हम गूगल पे पर जाएँ यहाँ पर दिखा दे रहे एक और पार्ट जिसमें है ऑनलाइन ऐड करना जैसे ये सिंपली है कि हमारा क्लॉट वर्ड बोले ये अभी क्लॉट वर्ड में आ जाएगा इसमें क्या आएगा कि सेशन आईडी मिलेगा तो ये हम वैसे बच्चों को जो किसी वजह से नहीं आ पाएंगे और कोई इम्पोर्टेंट क्लास है तो हमको उसको एक्सेस देना है इस वर्ड को जो भी यहाँ पर पढ़ाई हुई है उसको हमको एक्सेस देना है तो ये रिमाइंडर है इसको हम इसका इमेज बच्चे को दिखा देंगे इससे आईडी से जैसे लॉग इन करेगा इसको स्कैन करके तो वो क्लास के सेशन में आ जाएगा जो जो क्लास हो रहा वो उसको मिल जाएगा आइदर हम चाहें तो उसका एक्सेस दे सकते हैं राइटिंग पर मोबाइल से भी वहाँ पे राइटिंग कर सकता है कुछ अगर आंसर नहीं करता और आइदर उसको हम नहीं एक्सेस देते हैं वो सिर्फ देख सकता है तो इस तरह से कभी अगर उस तरह का केस होता है तो उसमें बच्चों को हमको ऑनलाइन ऐड करना है तो ये भी पॉसिबल है जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो गूगल लेंस से भी इसको स्कैन कर सकते हैं गूगल लेंस भी करके देखिए आप स्क्रीन हो जाइए इसको अगर हम डिस्क्राइब देखना चाहेंगे फिर उसके बाद हो जाता है हमारा रिकॉर्ड पार्ट यहाँ से हम दिखेगा कि कोई कोई पार्टिसिपेंट है इस तरह से टीचर्स मतलब वो चीज़ कंट्रोलिंग कर सकते हैं अब जो करंट ये सेशन हुआ टोटल जो उसको हम लोग इसमें और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि शेयर बाई QR अब जो जो मैंने आज कराया है इसको मैं सपोज मुझे ये वाला इम्पोर्टेंट है ये जो मैं छोड़ देता हूँ या वो लेता हूँ वो तो छोड़ दूँ एज PDF मुझे ये शेयर करना है अभी क्या हो रहा कि क्लास टीचर और बच्चे बच्चे के पेरेंट्स और क्लास टीचर मोस्टली स्कूल्स में ये चीज़ें हो रही हैं कि क्लास 6A के जो क्लास टीचर उसको सारे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर मिल जाता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है ताकि कुछ भी टास्क हो रहा है या कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो बच्चों के लिए टीचर्स को पेरेंट्स को टीचर इन्फॉर्मेशन उसको दे सकते हैं अभी क्या है जैसे हम लोग इसको स्कैन करेंगे जो आज का सेशन होगा जैसे स्कैन करेंगे तो ये सारा आज का सेशन आपके मोबाइल में